गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरा यूके में लैंकास्टर में सेकंड डे है और मैं बस अभी अभी सोकर उठी हूँ। थकान तो उतर गई है मेरी। मुँह हाथ वगैरह भी धो लिया है, सब कर लिया है। और मैंने अभी तुम्हारा डव वाला शैम्पू यूज़ किया है मुँह धोने के लिए, तो मैंने मुँह वो सब धो लिया। अभी नबील जो है ना बहुत ही मज़े का नाश्ता बना रहा है। वो बना रहा है क्या कहते हैं इसको, अंडा घोटाला बना रही है। हम लोग ना पाकिस्तान में भी काफ़ी मरतबा बनाते थे, नबील वहाँ पर भी बहुत मज़े का बनाता था नाश्ते में ना, तो वो बहुत मज़े का अंडा घोटाला बना रहा है। तो अभी हम वो बैठ के खाएंगे। ये है अंडा घोटाला जो कि अभी बन रहा है, बहुत ही मज़े का। मेरा नाश्ता जो है वो फाइनली तैयार है। अंडा घोटाला है और साथ में ये डबल रोटी है। और अब जो है मैं यहाँ नबील के लाउंज में बैठी हुई हूँ और यहाँ पे इन्होंने अभी सिंस क्रिसमस आने वाला है तो क्रिसमस ट्री भी सेट किया हुआ है और ये पूरा एरिया है। अब जो है मैं और नबील थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं तो हम लोग ना वो देखेंगे। और नबील क्या शाम को एक्चुअली कुकिंग क्लास होती है, तो हम बस उससे पहले पहले वापस आ जाएंगे ताकि वो शाम को वो क्लास अटेंड कर ले। और उन द मीन टाइम मैं घर पर रहकर अपने कोई काम वगैरह कर लूँगी। तो अभी बस मैंने वही वाला जो शर्ट घर में पहनी हुई थी, टी शर्ट, उसी के ऊपर ही मैंने ये वाला स्वेटर पहन लिया है जो मैंने ऑलरेडी पहन कर आई थी, और नीचे मैंने जीन्स पहन ली है। बस अभी जल्दी से मुँह पर लोशन वगैरह लगाऊंगी, थोड़ी सी लिपस्टिक वगैरह लगाऊंगी और फिर इंशाल्लाह बाहर। अब ये जो है मैं और नबील घर से बाहर निकल आए हम लोग, और अभी हम लोग कुछ शॉप्स वगैरह देखने जा रहे हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़, जैसे ही मैं बाहर निकली ना तो धूप निकली हुई है, और मैं धूप हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब मेजॉरिटी रास्ते में भी धूप है ना, तो थोड़ी सी गर्माहट भी महसूस हो रही है धूप की वजह से। तो बस अभी हम लोग वॉक करके जो है वो कुछ यहाँ पे शॉप्स हैं तो बस हम अभी वो देखने जा रहे हैं। और बाकी यहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह बहुत एंशियंट बनी हुई है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है ना, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। अभी जो है वो हम लोग प्राइमार्क आए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छी शॉप है। और यहाँ पे ना वो कार्टून वाली जो एनिमेटेड चीज़ें ना वो यहाँ पे बहुत सारी है, मतलब जैसे पोकेमोन, बारबी और डिफरेंट कार्टून्स की चीज़ें, मतलब उनके डुएट कवर भी हैं, पिलोज भी हैं, बॉटल्स भी हैं, मेकअप भी है, सारी चीज़ें। तो मैंने ना अभी दो चीज़ें उठाई हैं, एक तो मैंने ये वाली चप्पलें ली हैं क्योंकि घर में पहनने की चप्पल नहीं है, और एक ना ये मैंने हॉट वाटर बॉटल ली है। हॉट वाटर बॉटल वैसे वहाँ फिनलैंड में भी थी लेकिन यहाँ पे ना ये सस्ती मिल रही है कवर के साथ वाली, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अभी ले लिया। तो अभी खैर बहुत बड़ा स्टोर है और अभी तक हमने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन हम ऐसा ऐसा पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये देखिए अभी जो है वो हम लोग प्राइमार्क से निकल कर आ गए हैं। हमने बस वो तीन चीज़ें खरीदी हैं। नबील ने अपने लिए वो टॉवल्स लिए हैं, कुछ किचन टी टॉवल्स लिए, और मैंने जो है वो एक हॉट वाटर बैग लिया और हमने एक चप्पल लिया ना। तो अभी हम ये दूसरी शॉप में आए हुए हैं, शॉप का नाम है फाउंडलैंड, और ये भी काफ़ी अच्छी शॉप है और यहाँ पे भी काफ़ी सस्ती सस्ती चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग ना फिलहाल इस वाली शॉप को देख रहे हैं। अभी जो है मैं एक आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप में आई हूँ। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, मतलब कैनवासेस हैं, सारे कलर पूरे सेट्स हैं, ये तो मतलब मेरे लिए पूरी हेवन है ये जो दुकान है ना। और यहाँ पे मतलब मेरे हिसाब से तो चीप ही चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन खैर वो तो पाउंड्स में प्राइस लिखी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये चीप है एज़ कम्पेयर टू फिनलैंड ना। और ये देखें यहाँ पर कितने प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पर। अभी जो है एक सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं और अभी शॉपिंग कर रहे थे ना, तो बीच में एक जगह आई जहाँ पे लिखा हुआ था कि आप ना अंदर ना तीन जो है वो पिंग पोंग टेबल्स लगी हुई थी और रैकेट्स और बॉल रखे हुए थे, और उसमें लिखा हुआ था कि आप फ्री में खेल सकते हैं ना, तो वो बिल्कुल ही खाली था। तो मैं और नबील खेले आज, तो मैंने तो नबील ने तो खैर काफ़ी साल बाद खेले ना, उसने शायद अपने इंटर के बाद पहली मरतबा खेला है। मैं तो फिर भी यूनिवर्सिटी में खेल रही थी, लेकिन जब से मेरे हाथ जो है वो जला था उसके बाद से मैंने नहीं खेला था। आज फर्स्ट टाइम मैंने खेला तो बहुत मज़ा आया, हमने काफ़ी देर तक खेला और पूरी जिस्म में इतनी गर्माहट आ गई। तो अभी हम और शॉप्स जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। नबील एक और कोई शॉप बता रहा है जहाँ पर थोड़ी सी ना चीज़ें सस्ती मिलती हैं, तो बस हम अभी वहाँ जा रहे हैं। ये पूरी ऐसी स्ट्रीट है पूरी, और इतना अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, मतलब इतनी कोई ठंड भी नहीं है। अभी जो है वो हम लोग ने एक नबील के लिए वो स्लीप वेयर ख़रीदा है। वैसे तो वो बाथ रोप टाइप ही है,
लेकिन यहाँ पे एक्चुअली वो बता रहे हैं कि बहुत कॉमन है, लोग ये घर में पहनते हैं ना, तो हम लोग ने बस एक वो चीज़ खरीदी है। बाकी हम ऐसी शॉप्स वगैरह घूम रहे थे और एक हमने लाइब्रेरी भी डिस्कवर की, वो भी देखी हम लोगों ने। फिर अब जो है वो हम लोग वापस घर के रास्ते पर हैं, लेकिन बीच में वही शॉप आएगी आल्टी, तो वहाँ से कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें लेनी है, शक्कर वगैरह, तो वो लेंगे। फिर वहाँ से जो है वो वापस हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि नबील की जो है वो है कुकिंग क्लास है, उसको वहाँ पे जाना है ना, तो इसलिए फिर अभी हम लोग घर जा रहे हैं। अभी जो है वो हम लोग आल्टी आए हुए हैं, तो नबील को शक्कर लेनी थी, तो नबील ने शक्कर ली है, और बाकी जो है वो ना वो किचन के टिश्यू रोल जो है ना, तो उसको वो लेना है। तो अभी वो डिफरेंट रोल्स देख रहा है कि कौन से वाले चीप है, क्योंकि अभी हम लोग एक और शॉप से आए हैं पाउंडलैंड वाली शॉप पे, तो वहाँ पे आते थे चीप थे, तो वहाँ से हमने ले ये सोचे कि शायद यहाँ पे आल्टी में चीप पे लेंगे, तो अभी हम लोग वो जो है वो एक्चुअली देख रहे हैं, और यहाँ से ये चीज़ें लेकर जो है ना फिर हम लोग वापस घर ही जाएंगे। मैंने खाने के लिए जो है मैंने सुबह वाला ही जो मेरा ब्रेकफास्ट बच गया था ना, मैंने बस वही गर्म कर लिया है और मैं खा रही हूँ, क्योंकि नबील तो अभी गया हुआ है तो वो भी आएगा, देर हो जाएगी इसलिए, और साथ में मैंने लैपटॉप खोला हुआ है, तो शायद मैं अभी कुछ जॉब एप्लीकेशन करूँ। मैंने खाना तो खा लिया था, अभी मैं काफ़ी देर से जो है वो मोबाइल में कुछ वीडियोज़ वगैरह एडिट की हुई थी, और नबील अभी तक वापस नहीं आया, पता नहीं इसने बोला था तो आप तक तो आ जाएगा, तो हो सकता है शायद आ ही रहा हो, इंशाल्लाह रास्ते में हो। और मुझे ना बड़ी शदीद ठंड लग रही है, इस घर में ना बहुत सर्दी है भाई, पता नहीं हीटर सही से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, तो खैर तो बस मैंने लिहाफ में ही उड़ के बैठी हुई हूँ। मैंने खाना तो खैर खा लिया था, बस मुझे भी अपनी एंटी एलर्जिक दवा लेनी है और हाथ पे अपना लोशन वोशन लगाना है, और बस फिर मैं सोचूँ उसके बाद मैं सो ही जाऊँगी। तो मेरे आज यूके का सेकेंड डे था, जो कि बहुत अच्छा स्पेंड हुआ, काफ़ी मज़ा आया। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरे भाई दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।